नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। इंदौर में अपनी बुआ के घर आए 1.5 साल के एक बच्चे की पानी की टंकी में गिरने से मौत हो गई। वह परिवार के साथ खाना खा रहा था। वह हाथ में पानी का गिलास लेकर खेलते खेलते पानी की टंकी के पास पहुंच गया। यहां उसका संतुलन बिगड़ा और वह टंकी में गिर गया। परिवार को लगा कि वो घर के बाहर खेल रहा है। 10 मिनट तक नहीं दिखा तो परिवार ने ढूंढना शुरू किया। वहीं टंकी में बच्चा दिखा तो परिवार के लोगों ने तत्काल कूद कर उसे बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक देवांश जो कि खेलते खेलते पानी की टंकी में जा गिरा था, लोगों ने पानी की टंकी से उसे बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच करके MY अस्पताल में रेफर कर दिया। बच्चे को MY अस्पताल लेकर पहुंचे तो यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवांश की बुआ ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की है। परिवार के सभी सदस्य बैठकर खाना खा रहे थे। इस दौरान देवांश हाथ में गिलास लेकर बाहर की तरफ चला गया। संभवतः वह हौज से पानी की टंकी की ओर झुका और उसका संतुलन बिगड़ने से वह पानी की टंकी में गिर गया। मामले में बाणगंगा पुलिस ने मृग कायम कर लिया है।